फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम संदीप अपोटो है, यानी जिन्हें नहीं पता बता देता हूँ, और लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो आज मैं जो आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, ये आपको ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में कहीं नहीं मिलेगा। ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने खुद बनाया है, ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन आई एम नॉट अ जनरेटर। मैंने कहीं से इंस्पिरेशन लेकर ये चीज़ की है, और इस टॉपिक को मैं नाम देता हूँ रियलिटी शिफ्ट। जान दो, लिखने में ज़्यादा टाइम जाएगा। इस टॉपिक को मैं नाम देता हूँ रियलिटी शिफ्ट, और इसमें ब्लेंड है क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोलॉजी एंड साइकोलॉजी का। अब साइकोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स का कोई आपस में तालमेल नहीं लगता, लेकिन है, जो मैं आज आपको प्रूफ करके बताने वाला हूँ। इस चीज से मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जो कि क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, उसका रीजन बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से हमारी कॉन्शियसनेस, यानी कि हम किस तरीके से सोचते हैं, हम क्या विचार करते हैं, वो यूनिवर्स को अफेक्ट करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स। मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से हम एस्ट्रल ट्रैवल और एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हैं, यानी अपने बॉडी में रहकर हमारी सोल, लिटरली हमारी सोल बाहर घूमकर आ सकती है। That is what we call astral projection. और मैं आपको dimension realities बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा जैसे law of manifestation, law of attraction है, इसके पीछे का एक scientific perspective भी दूंगा। तो चालू करते मेरी theory के ऊपर। तो सबसे पहले हम universe में हम जानते हैं matter और space, ये दो चीज़ों से universe बनी हुई है। और matter तीन states में हमारे पास मौजूद है, liquid, solid and gas, plasma, plasma वो भी अगले, लेकिन हम इस तीनों को consider करते हैं। क्या अगर मैं बोलूँ कि universe exist ही नहीं करता, ना मैं एग्जिस्ट करता ना आप एग्जिस्ट करते, कोई एग्जिस्ट नहीं करता। इस चीज को प्रूफ किया था थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट ने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते, इलेक्ट्रॉन को उन्होंने ट्रांजिट किया था, एक पट्टी थी समझो, और इस पट्टी के उस तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट किया था, ऐसे पास किया था समझो। तो जब उसने इलेक्ट्रॉन को पास किया, तो इलेक्ट्रॉन ने वेव पैटर्न शो की, समथिंग लाइक दिस रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रॉन ने वेव पैटर्न शो की, और हम सबको पता है जो वेव है वो हमें दिखती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइट वेव्स, हम लाइट दिखती है, लेकिन किस तरीके से लाइट वेव्स ट्रैवल करती है, हमें दिख रही है नहीं। हीट वेव्स दिखती है नहीं। एयर एक प्रकार की वेव ऑसिलेशन क्रिएट करती है, दिखती है नहीं। साउंड वेव्स दिखती है नहीं, लेकिन हम तो एक दूसरे को देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से हम भी बने। हाउ दिस इवन पॉसिबल? और भी स्ट्रेंज रिजल्ट तब आता है जब थॉमस खुद इस चीज को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहे, लेकिन ये वेव शो नहीं करता। ये कैसे शो करता है? जैसे हम गोटियां फेंक रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक गोटी जैसा है ना, वो ऐसे शो करता है। व्हाट इज दिस? इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आज, एक आपको एक रीजन देकर। वो ये रीजन है कि सॉलिड स्टेट लिक्विड ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। वी ऑल आर मेड अप ऑफ एनर्जीज, और एनर्जीज विच आर वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, यानी मैं और आप में सिर्फ फ्रिक्वेंसी का अंतर है। जो हमारे सर लोग या फिर कहते हैं ना कि फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है क्लास की, दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। तो उसी एनर्जी का जो रेजोनेंस होता है वही मैक्सिमम आउटपुट देता है हमारे लिए। तो जो मैटर है, मैटर में आइटम्स है, आइटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को थोड़े तो क्वार्क है, और क्वार्क के अंदर आपको मिलता है वेव, जो कि हमें स्ट्रिंग थ्योरी देती है। तो इससे यह पता चलता है कि हमारा कॉन्शियसनेस, जिसने इलेक्ट्रॉन को देख के इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बनाया, और उसी कॉन्शियसनेस से इलेक्ट्रॉन को वेव फॉर्म में ट्रैवल करके दिया। तो इस हिसाब से अगर हम इस बुक की फ्रिक्वेंसी अगर कुछ और है, मेरी फ्रिक्वेंसी कुछ और है, अगर मैं इस बुक की फ्रिक्वेंसी को मैच करूँ तो शायद से मैं बुक बन जाऊँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए जो एक ही बहुत ही है, जो CIA है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ अमेरिका, जो ये चाहते हैं कि जो सोल्जर्स है वो बहुत ज्यादा उनके सुपर सोल्जर्स है, दुनिया का खात्मा करना चाहते हैं शायद से वो। तो वहां पे एक मैकडोनल्ड, जिन्होंने मैकडोनल्ड नहीं खाया वैसे आदमी का ये था, एक प्रेजेंटेशन था, उन्होंने लिटरली ये बोला कि हमारा जो यूनिवर्स है ये एनर्जी से बनी हुई है, और उनका जो दावा था वो ये था कि हम हमारे बॉडी से बाहर जाकर एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसी चीजें कर सकते हैं। तो इसके लिए दो चीजें होती है, पहला होता है हेमिसिंग, हेमिसिंग यानी हमारा ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों हिस्से में डिवाइडेड, और हम सबको पता है जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल ब्रेन है, जिसमें हम लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा काइंड ऑफ थिंग्स, और जो राइट ब्रेन है वो क्रिएटिविटी आर्ट इमोशन फीलिंग्स को। तो जब लेफ्ट ब्रेन हमारा एक्टिव रहता है तब हम उन्हीं चीजों को परसीव करते हैं जो चीजें हमारे समझ में आती है। ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल वो एक स्ट्रेंज सिचुएशन चल रही है, या फिर आप कहीं स्ट्रेंज जगह पे गए तो आप पहाड़ों में या फिर बादलों में भी अपना चेहरा निकाल लेते हो, बादलों में आप मछली का चेहरा ढूंढ लेते हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंड वही चाहता है जो आपको सहज लगे। अगर मैं आपको वो सच्चाई बताऊं जो आप कभी, आपको पता है वो सच है, आपको पता है कि शायद से आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन आप उस चीज को मानोगे नहीं, क्योंकि आपको वही सुनना है जो आपको अच्छा लगता है, और अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली हम वही करते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो डोमिनेंट होता है, लेकिन जब राइट ब्रेन डोमिनेंट होता है तब ये कॉन्शियसनेस फेल हो जाती है, तब हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो काम नहीं करता। हमारा राइट ब्रेन जब काम करता है तब ये चीजें होती है कि राइट ब्रेन काम करने से हम हमारे बॉडी को छोड़कर बाहर भी ट्रैवल कर सकते हैं, यही दावा किया था इस पेपर में।
और ये दावा करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसको हम कहते हैं होलोग्राम थ्योरी। होलोग्राम थ्योरी ये कहती है कि हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग फ्रिक्वेंसी में जो एनर्जी से वो ऑर्बिट करते हैं और वो ऑर्बिट हमारी इस रियलिटी 3D रियलिटी में करते हैं जो कि लेंथ ब्रेथ और विड्थ है, इसके ऊपर हम जान नहीं सकते, जबकि फोर्थ रियलिटी है स्पेस। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट है उन लोगों का ऐसा मानना, होलोग्राम थ्योरी काफी एक्सेप्टेड है और उन लोगों का ऐसा मानना है कि शायद से ये जो रियलिटी है थर्ड नहीं ये फोर्थ नहीं है, डायमेंशन लेस है, टाइम एंड स्पेस के परे ये रियलिटी जीती है और यहाँ पे ट्रैवल होता है इन्फॉर्मेशन। जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक और मॉडिफिकेशन किया कि दो इलेक्ट्रॉन को पास किया, एक इलेक्ट्रॉन को पहले लगने दिया और दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाद में लगने दिया, अब बाद वाले किसी को नहीं देखा तो दोनों वेव फॉर्म में, बाद वाले इलेक्ट्रॉन को देखा तो वो वेव फॉर्म में आया, वो पार्टिकल फॉर्म में आया। अब जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन था वो पहले तो स्लिट को लग चुका था और जाके दूसरा इलेक्ट्रॉन लगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन भी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को हमने देखा यानी दोनों को एक साथ छोड़ा, एक को पहले बॉम्बार्ड किया और दूसरे को बाद में किया, जब हमने दूसरे को देखा अब देखने से इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर में बदल गया, लेकिन जब हमने पहला तो पहले लग चुका था ना, वो किस फॉर्म में होना चाहिए था, वेव फॉर्म में, लेकिन वो भी पार्टिकल फॉर्म में निकला, इसका मतलब टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन ने माइक्रो सेकंड में टाइम ट्रैवल किया, उसको बता दिया कि भाई पहले सामने वो चतुर इंसान है, इंसान ने देख लिया अब तुम अपना फॉर्म बदल दो, उसने बदल दिया पार्टिकल फॉर्म। इसीलिए जब मैं कॉन्शियसली कुछ थिंक करता हूं वैसे वो चीजें फॉर्म होती है। तो एक क्रेजी थ्योरी आती है जिसे हम कहते हैं बोल्ट्जमैन थ्योरी, जिसके हिसाब से ये कहता है कि शायद से आप लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, इस दुनिया में केवल एक ही इंसान है वो है संदीप अपोटो। मेरे ब्रेन ने कॉन्शियसली इस यूनिवर्स को रचाया जिसमें मौसमी, विदिता, अक्षय जो मेरा कैमरा निकाल रहा है, साइरिल, ओजस, ये सब लोग है, मैंने, इसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कॉन्शियसनेस, जिसमें कहते हैं कि यूनिवर्स ने खुद अपने आप इन सब चीजों को रचाया है, इस कॉन्शियसनेस को पैदा किया है जिस हिसाब से हम खुद अपनी रियलिटी बनाते हैं, और यही से निकलती है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीजें। हम जो कहते हैं ना आप सोचो और आप वो चीज मैनिफेस्ट करो, क्यों? क्योंकि जो होलोग्राम रियलिटी है जो मैंने आपको बताया कि एनर्जी इमिट करके एक 3D स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, इस होलोग्राम रियलिटी में इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जांपल मौसमी को बनना है डॉक्टर, अब वो कैसे डॉक्टर बन सकता है, ये इन्फॉर्मेशन, मौसमी को डॉक्टर बनना है ये उसने चाह रखी, तभी उसके लाइफ में वैसे टीचर्स है जो उन्हें डॉक्टर बना सकती है, अन्यथा नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल आप पीसीएम पीसीबी का एग्जाम्पल ले लो, आप पीसीएम आप पीसीबी में तभी गए तभी आपके दिमाग में कुछ था, अगर आपके दिमाग में ना था इंजीनियर्स ना तो मेरे जैसे पीसीएम भी लेते और फिर वापस पीसीएम में आ जाते, शायद से ऐसा कुछ होता। तो आपका कॉन्शियसनेस, आपका थॉट इस रियलिटी को चेंज करता है, ये प्रूफ होता है, जैसे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में थॉमस यंग ने हमें प्रूफ करके दिया था। एट लास्ट हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो एनर्जीज है जो ट्रैवल करती है वो 3D और 4D में ट्रैवल्स करती है, तो क्या पॉसिबल कि भूत, प्रेत, पिशाच, डायन जो कि मेरे क्लास में मौजूद है शायद ये लोग उसी 4D रियलिटी के हिस्सा हो, मे बी पॉसिबल। ये जो भूत पिशाच की कहानी जो हमें दिखती नहीं, मे बी ऐसी एक अनादर रियलिटी, पैरेलल रियलिटी प्रेजेंट है इस यूनिवर्स में, लेकिन 3D कॉन्शियसनेस में नहीं, 4D या फिर 5D कॉन्शियसनेस में, जहां पे फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति ऐसे 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 चल रहा है, सिर्फ ऐसे ऐसे चल रहा है, ऊपर नीचे नहीं चल सकता, मतलब ये किस डायमेंशन में, 2D में, अगर मैं उसे ऊपर से देख रहा हूं इसे क्या पता मैं कहां पे हूं। बेस्ट एग्जांपल आता है चींटी, अगर चींटी हम यहां पे चले, हमारे लिए तो सिर्फ सीधा चलना हुआ, हम नीचे मुड़ सकते हैं इस पोल के नहीं, लेकिन अगर चींटी चलती है तो चींटी के लिए डायमेंशंस अनलॉक हो जाते हैं, देखा आपने, चींटी के लिए डायमेंशंस। इसी प्रकार से हो सकता है कि फोर्थ डायमेंशन में कोई भूत, प्रेत, पिशाच हम पे नजर लगाए बैठा हो, इसीलिए टेस्ट में आउट ऑफ मिलना था लेकिन कम मिल गए तो लास्ट में चीटिंग करनी पड़ी। और एक लास्ट चीज जो जाते जाते बताना चाहता वो है प्लैंक्स डिस्टेंस, जो कि एक बहुत ही कम डिस्टेंस है, 1.6 × 10⁻³⁵ मीटर, जो कि इतना कम है कि उससे नीचे रियली में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो हमारे स्टीफन हॉकिंग है उन भाई साहब का यह कहना है कि उसके नीचे अलग ही दुनिया एग्जिस्ट करती है। उनका यह कहना है कि जब हम हाथ इस तरीके से फहराते तो हमारे नीचे से डायमेंशंस गुजर जाते हैं। फॉर एग्जांपल चींटी कितनी छोटू सी है, लेकिन उसके लिए एक अलग डायमेंशन अनलॉक हुआ, हो सकता है इस डायमेंशन में खजाना है, इधर चींटी के लिए स्वीट हो सकता है कुछ भी, हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि हम तो स्ट्रेट है, लेकिन चींटी के लिए ये चीज यहाँ पे मौजूद होती है। दैट मीन्स ये हमारी रियलिटी जो हम समझ रहे हैं वो बिल्कुल है नहीं। क्वांटम फिजिक्स इस चीज को डिनाई करती है, क्वांटम फिजिक्स वो फिजिक्स है जो छोटे छोटे चीजों पे काम करती है। दैट मींस आवर रियलिटी कैन बी चेंज, मे बी बोल्ट्जमैन थ्योरी इज ट्रू, मे बी संदीप अपोटो ही है इस दुनिया में और बाकी आप में से कोई कुछ नहीं हो। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।